भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियों को गिनाया। आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, किन बिंदुओं को लेकर जानकारी दी गई? देश के प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूर्ण होने पर और माननीय शिवराज जी के चौथे मुख्यमंत्री बनने के बाद कार्यकाल के उपलब्धियाँ, साथ में कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में वादे करके मध्य प्रदेश के मतदाताओं को ठगने का काम किया था, उनके 14 महीने के इस कार्यकाल में जो योजनाएं जन कल्याणकारी थी, गरीब हितैषी थी, उनको बंद करके उन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरे में धकेल दिया था। इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसले किया था कि जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता होना चाहिए और हमने जो काम किया है वो जनता के बीच में जाना चाहिए आपके माध्यम से। वो कमलनाथ जी ने जो वादा किया था उस समय, उनके जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने मुद्दे जो है बनाए थे और जनता ने उन पर जो विश्वास किया था, उसके विश्वास को उन्होंने जिस प्रकार से जो है एकदम उनके विश्वास पर खरा ना उतर कर उन्होंने जनता को जो गुमराह करने का काम किया था वो आप तक पहुँचे, इस उद्देश्य से लेकर ये जो है पत्रकार वार्ता यहाँ पर आयोजित की थी। हम सब जानते हैं कि जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली, हमारा भारत एक ताकतवर देश के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हुआ है। हमारे भारतवासी जो आज़ादी के बाद विकास की उम्मीद के साथ झोपड़ी में रह रहे थे, गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, घर में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा 70 साल की आज़ादी के बाद सरकारें उपलब्ध नहीं करा पाई थी, गरीब के घर में राशन के पीपे खाली थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने जब देश की कमान संभाली तो मध्य देश के पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने न केवल स्वच्छता के साथ शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी योजना लाकर हमारे गरीब के घर पर चूल्हे में जो रोटी बनती थी, जो फेफड़े उनके ख़राब होते थे, आँखें खराब हो जाती थी, उनको नया जीवन देने का काम किया है। हमारे देशवासी भी बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवाएं ले पाएँ, उनका ठीक से बड़े अस्पतालों में भी इलाज पाए, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना बनाकर उन्होंने गरीब को कर्ज से बीमारी अगर कभी आ जाती तो कर्ज से लगने से बचाने का काम किया है। शिवराज जी की सरकार तो लगातार 16-17 साल से हम सब जानते हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारी बहनों के लिए, अभी लाडली बहना योजना ही 1,000 रुपये खाते में डल गए, 3,000 रुपये तक इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों को लाभ मिलने वाला है। ऐसा कोई परिवार नहीं है। मैं आज गया था, आज जब मैं भोरिया गया, मैंने एक किसान परिवार में बैठ के बात करी, उनसे बात करी कि उनके परिवार में 5 खाते थे, 5 खाते माने शिवराज जी ने भी 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि में उड़ाए, 60,000 रुपये महीने उनको जो है किसान सम्मान निधि के नाम पर मिल रहे। उसके बाद में उनकी 6 बहनें 6 महिलाएं थी घर में, 6 महिलाओं के हिसाब से 12×5 60,000 रुपये उनको जो है जो इसके माध्यम से मिलने वाले। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, कांग्रेस की सरकार 2018 में जनता ने बनाई थी, 14 महीने में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े थे, उनको मालूम है। वल्लभ भवन उद्योग में तब्दील हो गया था ट्रांसफर उद्योग में, थाने जो है जो जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता चलाने लगे थे, सारे विभागों में जो हालत थी आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि जनता की जो सेवा के जो विभाग हैं उनमें आपका रोज़ आना जाना होता है। आपको मालूम थी कि मध्य प्रदेश की जनता की किस प्रकार से दुर्गति हुई, विदिशा शहर में किस प्रकार से दुर्गति हुई, उनको अधिकारी नहीं भ्रष्टाचार पर बात करने का। भगवान महाकालेश्वर भगवान के महालोक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, माने आप समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या है। हम जिस सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारी पीढ़ियां भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए 490 साल से संघर्ष करती रहीं, हमारे जो है पूर्वजों ने सनातन धर्म के लिए कुर्बानियां दी, उस भारत देश में इस प्रकार की घटना की बात करना, वहां भ्रष्टाचार की बात करना, भ्रष्टाचार शब्द निकालना ही पाप है, करना तो महापाप हो गई, तो भैया महापाप कौन करेगा। मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों की बुद्धि जो है भगवान ने हल्ली, इसलिए वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये पाप का काम कर रहे हैं और 2023 और 24 में इस पाप की सज़ा उनको मिलने वाली है। ऐसा सूपड़ा साफ होगा उनका कि वो बोलने लायक